हाय फ्रेंड्स, मैं कमल कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने स्टाइलिश लुक और बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण भारतीय बाजार में जगह बना रखी है, और ये बाइक्स आपको अप्रोक्स 2 लाख के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन बाइक्स के बारे में। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है यामा की R15 वर्जन V3। R15 एक स्पोर्ट्स बाइक है जो 155 cc BS6 इंजन के साथ देखने को मिलती है, जो 14.1 Nm टॉर्क और 18.3 BHP की पावर प्रोड्यूस करती है। वहीं इस बाइक में फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ इसमें ड्यूअल चैनल ABS सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। वहीं फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक और 142 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है। वहीं माइलेज की बात करें तो इस बाइक में 40 to 45 km का अच्छा माइलेज देखने को मिल जाता है। ये बाइक 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ देखने को मिलती है। वहीं इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ऑप्शन भी मिलता है। शोरूम प्राइस की बात करें तो ये बाइक 1.5 लाख to 1.55 लाख तक मिल जाती है। वहीं इस बाइक में 4 डिफरेंट वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि हैं ड्यूअल चैनल, मेटालिक रेड, रेसिंग ब्लू एंड डार्क नाइट। इसी प्राइस में नेक्स्ट बाइक आती है KTM की RC125। ये बाइक 125 cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 के साथ देखने को मिलती है, जो 12 Nm मैक्सिमम टॉर्क और 14.5 मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ इस बाइक में फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल ABS देखने को मिलते हैं। इसी के साथ इसमें 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक और 145 kg का कर्व वेट देखने को मिल जाता है। वहीं माइलेज की बात करें तो ये बाइक 40 to 45 km का माइलेज प्रोड्यूस कर देती है, और ये बाइक 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में देखने को मिलती है। वहीं इसमें ट्विन हेडलाइट भी देखने को मिल जाती है। फाइनली इसके शोरूम प्राइस की बात करें तो ये बाइक 1.62 लाख में देखने को मिल जाती है। ये प्राइस दिल्ली का है, यदि आप कोई दूसरे स्टेट में रहते हैं तो ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। इसी रेंज में आप KTM RC 200 को भी चेक कर सकते हैं, ये बाइक भी इसी रेंज में आती है। इसकी एक शोरूम प्राइस है 2.06 लाख और ये 200 cc की आती है। वहीं इसी रेंज में नेक्स्ट बाइक आती है KTM की ड्यूक 200। ये बाइक 199.5 cc सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन के साथ आती है, जो 19.5 Nm टॉर्क, 25.4 BHP मैक्सिमम पावर, 10,000 RPM पर प्रोड्यूस करती है। वहीं माइलेज की बात करें तो ये बाइक 30 to 35 के अप्रोक्स माइलेज प्रोवाइड करती है। वहीं इसमें 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक और 159 kg का कर्ब वेट भी मिल जाता है। इसी के साथ इसमें फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक और ड्यूअल चैनल ABS सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। फाइनली इसके शोरूम प्राइस की बात करें तो ये बाइक अप्रोक्स 1.83 लाख में देखने को मिल जाती है। इसी रेंज में नेक्स्ट बाइक आती है सुजुकी की जिक्सर SF250। ये बाइक 249 cc 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आती है, जो 22.2 Nm मैक्सिमम टॉर्क, 7,300 RPM पर और 26.5 BHP मैक्सिमम पावर, 9,300 RPM पर प्रोड्यूस करती है। वहीं ये बाइक 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में देखने को मिलती है। इसी के साथ इसमें फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। इस बाइक में 12 लीटर फ्यूल टैंक और 161 kg का कर्ब वेट देखने को मिलता है। वहीं माइलेज की बात करें तो ये बाइक 38 से 40 km का माइलेज देखने को मिल जाता है। फाइनली इसके शोरूम प्राइस की बात करें तो ये बाइक 1,80,000 में मिल जाती है। इसी रेंज में नेक्स्ट बाइक आती है बजाज की डोमिनोर 250। इस बाइक में 249 cc BS6 इंजन देखने को मिल जाता है, जो 27 BHP का मैक्सिमम पावर, 8,500 RPM पर प्रोड्यूस करता है। वहीं फ्यूल टैंक की बात करें तो इस बाइक में 13 लीटर का अच्छा फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। इसी के साथ इसमें 180 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है, जो कि इस बाइक को थोड़ा हैवी बना देता है। इसी के साथ इसमें फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक और ड्यूअल चैनल ABS देखने को भी मिलते हैं। फाइनली इसके शोरूम प्राइस की बात करें तो ये बाइक अप्रोक्स 1,70,000 में मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको इनमें से कौन सी बाइक पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।